झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जो जनता के लिए है, जनता की चुनी गई सरकार है। इसलिए सरकार वही निर्णय करेगी जो जनता के हित में होगा, जनता के रक्षा के लिए होगा, जनता के सुरक्षा के लिए होगा। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में वैश्विक महामारी का पीक आवर आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर ठोस कदम, कड़ा निर्णय लेने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज मृत्यु दर घटा है, रिकवरी रेट बढ़ा है और कोरोना के मरीज भी बहुत कम हुए हैं। इसलिए भविष्य में जो भी निर्णय होगा, सरकार जो भी निर्णय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे, वो जनता की रक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए होगा। राज्य में संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य की जनता से सोशल मीडिया के जरिए सुझाव मांगा जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे यह साबित हो गया कि महागठबंधन के दूरदर्शी मुखिया मनवानी सुनाने के बजाय जनवानी सुनने में विश्वास रखते हैं और लोगों की राय के अनुसार ही वो निर्णय लिया करते हैं। और ये साबित भी हो चुका है कि पिछले दिनों लगातार एक ओर जहां लोग राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए नकारात्मकता फैलाने में लगे हुए थे और सरकार के हर कदम का विरोध करने में लगे हुए थे, वहीं वैचारिक लड़ाई को ताक पर रखकर पक्ष विपक्ष की बाउंड्री से भी ऊपर उठकर तमाम लोगों से राय विचार करके, चाहे पंचायत से लेकर के संसद तक और चिकित्सकों से लेकर के सेना के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने का यह परिणाम है कि आज राज्य में संक्रमण का दर कम हुआ है। और अब सवाल ये उठता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी किस प्रकार से गति दी जाए, तो इस दिशा में मुख्यमंत्री जी का पहल स्वागत योग्य है। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से अपनी राय रखी है कि खतरा टला नहीं है, इसलिए पाबंदियों को जारी रखते हुए समयावधि में परिवर्तन तो किया जाए, लेकिन दुकानों को खोलने की अनुमति ऑड और इवन के तर्ज पर दी जाने से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और खासकर बच्चों पर जो आसन्न खतरा है, उसके मद्देनजर संस्थानों को खोलने के पूर्व उन बातों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। और साथ ही साथ अंतरराज्यीय परिवहन के जरिए जो राज्यों में आने वाले लोग हैं, उनकी जांच बढ़ाई जानी चाहिए और वैक्सीनेशन की गति को भी तेज किया जाना चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।